नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। सिद्धार्थनगर जिले में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी परिषद की तरफ से 2 साल पूरे होने पर अधिवेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला मुख्यालय के डॉक्टर अम्बेडकर सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यालय अतिथि संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी के साथ सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी और जिले के कर्मचारी संघ कार्यकर्ता भी शामिल हुए। यह कार्यक्रम कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष अनिल सिंह के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2 साल पर यह अधिवेशन बुलाया जाता है और इसमें 200 से अधिक संगठन के लोग शामिल होते हैं, जो शांतिपूर्वक सरकार के फैसले का समर्थन या विरोध करते हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश, यह तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों का लगभग 80 संगठनों का और प्रदेश में 200 संगठनों का महासंगठन है। यह तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से सरकार के विरुद्ध आंदोलन भी करती है तथा उनकी समस्याओं का समाधान। पीलीभीत के माधोटांडा इलाके में बीते कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिसमें प्रशासन सतर्कता बरत रही है। थाना अध्यक्ष और सीओ ग्रामीण इलाकों में लोगों को सावधान कर रहे हैं। अनाउंसमेंट कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बाढ़ के आसार को देखते हुए हर स्थिति पर पैनी नजर बनी हुई है। फतेहपुर में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में विभिन्न बैंकों और रिटेल मार्केटिंग कंपनियों के द्वारा हजारों लोगों का पैसा जमा कराने के बाद ठगी कर भाग जाने पर डीएम के नाम अधिकारियों को ज्ञापन देते हुए संबंधित बैंक कर्मियों और रिटेल कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए पैसे दिलाने की मांग की गई है। कितने का गबन है? कम से कम 200 करोड़ रुपए का गबन है जिले फतेहपुर जनपद में। 1 लाख से ज्यादा लोग विक्टिम है, 1 दर्जन से ज्यादा ठग कंपनी है जिन्होंने ठगी की है। ज्ञापन सौंप दिया है डीएम साहब, क्या आश्वासन? और अब खबर कुशीनगर से, जहां 8 साल की नाबालिग छात्रा का अपहरण कर लिया गया। दिनदहाड़े मासूम के अपहरण से इलाके में सनसनी फैल गई। नाबालिग को बाइक सवार पुरुष और महिला लेकर भागे हैं। मामला रामकोला थाने के रोवारी गांव का है। थाना रामकोला क्षेत्र के अंतर्गत गांव रोवारी में पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बालिका जिसकी उम्र लगभग 10 वर्ष है, उसको प्रातःकाल एक पुरुष और एक महिला के द्वारा बाइक पर बैठा के लिए जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया गया है। सीसीटीवी फुटेज में इनकी पहचान कर ली गई है। ये इस बालिका के बुआ और फूफा जी ही हैं। ये इनके साथ ही पहले 10 वर्षों तक रही है और कुछ पारिवारिक विवाद के कारण वो इसको लेके चले गए। मुलायम सिंह यादव के निधन पर सपाइयों में शोक की लहर देखने को मिल रही है। आगरा में मुलायम सिंह के करीबी रहे सपा राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राजनीति में उनसे ज्यादा मेहनत करने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता। नेताजी के जाने से एक बड़ी क्षति हुई है, जिसे भर पाना मुश्किल होगा। नेताजी देश के आलिशान नेताओं में से एक थे। उनका व्यक्तित्व गजब का था। नेताजी कोई किताबों से पढ़ करके समाजवादी नहीं बने। उन्होंने जिंदगी में अभाव देखा, किसानों की पीड़ा को देखा, बेबसी और लाचारी देखी। इन सब के चलते वो समाजवादी बने। राजनीति में उनसे ज्यादा मेहनत करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति हो नहीं सकता। अमेठी के मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र में एक शराबी पति ने अपनी पत्नी की पीट पीट कर हत्या कर दी। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया है और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पीलीभीत के थाना जहानाबाद इलाके के एक गांव में लगातार हो रही बारिश के चलते कच्चा मकान गिरने से हड़कंप मच गया। मकान के मलबे में 2.5 साल की मासूम बच्चे सहित 3 लोग दबकर घायल हो गए। तीनों घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। वहीं एक की हालत गंभीर है, उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। अमेठी के जामु थाना क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटन की पोल अब खुल गई है। यहां घर के अंदर सोते समय मकान की दीवार गिरने से लगभग 37 वर्षीय युवक की दबकर मौत हो गई। युवक के माता पिता और पत्नी की पहले मौत हो चुकी थी। पूरे गांव में सबसे गरीब व्यक्ति होने के बावजूद अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उसे नहीं मिल पाया था, जिसके चलते पुराने और जर्जर कच्चे मकान में रहने को मजबूर था।
और यह क्षेत्र के सदर बाजार इलाके में देर रात लगातार हो रही बारिश का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने अलग अलग तीन दुकानों के शटर का ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की घटना के बाद सुबह व्यापार मंडल के नेताओं और व्यापारियों ने मौके पर पहुंचकर पुलिस द्वारा की जा रही गश्त की कार्रवाई पर सवाल निशान खड़े करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष बबलू वाजपेयी ने बताया कि पहले भी कई बार चोरी की घटनाएं हुई हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हरदोई में आकाशीय बिजली गिरने से दो लोगों की मौत हो गई, जिस पर सीएम योगी और डिप्टी सीएम ने शोक जताया। उसके साथ ही मृतकों के परिजनों को 4 लाख की आर्थिक सहायता देने के लिए निर्देश दिए हैं। पीलीभीत में बिना रुके लगातार हो रही बारिश के चलते स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। 10 अक्टूबर को सभी स्कूल बंद रहे। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षार ने मान्यता प्राप्त कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए थे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आदेश को कड़ाई से पालन करने के भी निर्देश दिए थे। सहारनपुर में पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने सहारनपुर में अवैध शराब का कारोबार करने वाले बड़ी शातिर शराब तस्कर मनोज विज और राजन कपूर को भारी मात्रा में अवैध शराब और ड्रग्स के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार शराब तस्कर मनोज विज का आपराधिक इतिहास रहा है। ये शहर के सम्मानित व्यक्तियों के यहाँ शराब उतरवा देता था और वहीं से अलग अलग शहरों में सप्लाई किया करता था। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।